नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कांटेक्ट में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है इन दिनों, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनी यानी मिथुन राशि, सॉरी एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, प्लीज यूनिवर्स, एरीज यानी मेष राशि के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं और जो नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज यूनिवर्स, जो नो कांटेक्ट में हैं और जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, एरीज के जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहा है और नो कांटेक्ट में है, प्लीज यूनिवर्स, नो कांटेक्ट, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन एक स्टेबल रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। हो सकता है बंदा थोड़ा इनोसेंट है, मतलब इनको बहुत अच्छी तरीके से दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये समझदार है। जितना आप समझ रहे हो कि इनको दुनियादारी पता नहीं है, हो सकता है दुनियादारी पता नहीं है लेकिन ये बंदा बहुत समझदार है और ये कुछ नया करना चाहते हैं, रिश्ते में रिस्क लेना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, फिनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं खुद को। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इंतजार कर रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है ये इंसान पिछले वक्त जब आपके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन हुआ था, तब ये इंसान थोड़ा दुखी मन से पास्ट बैगेज के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोचे थे या फिर मूव ऑन तो किया ही है। तो अभी इनको इंतज़ार है, किस चीज़ का इंतज़ार है, रिकॉन्सिलेशन का। ये अभी रिकॉन्सिलेशन चाहता है और रिकॉन्सिलेशन का इंतज़ार कर रहा है। अगर इनके पास कोई ऑप्शन हो भी तो भी वो उसको इग्नोर कर रहा है। अगर इन्होंने किसी ऑप्शन के लिए या फिर किसी भी कारण से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा था, इमोशनली आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा था, पैसों का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम से अगर इन्होंने मूव ऑन किया था, तो ये करंटली इस रिश्ते में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं यूनिवर्स जी से। ये प्रेयर भी कर रहा है। अभी देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। आपके पर्सन एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैंने पहले ही कहा ये इंसान एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, ग्राउंडेड स्टेबल रिश्ता जिसमें आप इस रिश्ते की ब्रेड अर्नर भी हो, मतलब फैमिली का आप रिश्ते चलाओ भी, रिश्ते के बारे में सोचो भी, केयर भी करो लोगों का। ये चाहता है कि आप उनके परिवार के ब्रेड अर्नर बन जाओ, उनके दिल के रानी या राजा बन जाओ, और अगर पहले से ही हो तो वो फिर से उस सिचुएशन को वापस पाना चाहते हैं जब आप इनके घर को संभालते थे, बच्चों को संभालते थे, रिश्ता संभालते थे, जो शादीशुदा है, जो नहीं है, तो आप जो टेक केयर करते थे उनका, जो केयर करते थे, उनके बारे में जो सोचते थे, उनकी पैसों का ख्याल रखना, उनका ख्याल रखना, उनकी तबीयत का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें वो अभी मिस कर रहा है। अभी देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के ये क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपके तरफ आना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये और कुछ नहीं चाहते हैं, अभी आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। बहुत हुआ लोगों के बारे में सोचना,
बहुत हुआ दूसरे चीज़ों को बारे में, दूसरी चीज़ों में अपना सर खपाना, अभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। ये मैं नहीं, ये कार्ड बोल रहा है, आपके पर्सन ये सोच रहा है कि अभी ये आपके साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं और अपने रिश्ते को एक प्यार भरा माहौल देना चाहते हैं, अपने आप को भी प्यार करना चाहते हैं, आपको भी प्यार करना चाहते हैं और रिश्ते में भी एक नयापन लाना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये करंट फीलिंग से लेके क्या चाहते हैं, अब तक जो भी मैं देख रही हूँ कार्ड के अनुसार, ये इंसान तहे दिल से रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या हो सकता है। एरीज यानी मेष राशि, प्लीज यूनिवर्स बताइए, मेष राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, एरीज यानी मेष राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पर्सन की एक्शन क्या हो सकता है, देख लेते हैं आपकी पर्सन का क्या एक्शन रह सकता है। सिक्स ऑफ वंड्स, देखो क्या कहे, शुरू से लेके अंत तक ये आ रहा है आपसे मिलने, अगर आपसे दूर रहता है तो आपसे मिलके सारी बातों को क्लियर करेंगे, शादी के बारे में बात करेंगे, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में बात करेंगे, इनको एक स्टेबल रिश्ता चाहिए। और अगर आप शादी हो गया है आपका, मतलब आप पहले से ही शादीशुदा हो, तो वो इस रिश्ते को भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए उनको बॉस। अभी देख लेते हैं सिक्स ऑफ वांड्स, यस एट ऑफ वांड्स, देखो क्या, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, कार्ड ही ऐसे आ रहा है कि आप खुद ही देख लो। ये आपके साथ पहले ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, फिर आपसे बातें करेंगे, फिर आपसे यही कहेंगे कि हमें आपसे मिलना है, बात करना है। अगर फिनेंशियली पहले ये इंसान स्टेबल नहीं था, ये आपको पता है, अभी ये कहेंगे कि मैं फिनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ, मुझे आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। और अगर आप रिश्ते में पहले से ही बंधे हुए हो, मतलब शादीशुदा हो, तो ये रिश्ते की स्टेबिलिटी की मांग आपसे करेंगे, आपसे मिलेंगे, मिलने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। देखो ये कार्ड है, जैसा आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ, अगर किसी का पर्सन मिलने नहीं आया तो ये आप कमेंट करके बता दोगे, मैडम आपने कहा था, उन्होंने तो मिलने नहीं आया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखिएगा बहुत सारे लोगों के पर्सन हो सकता है मिलने आ जाएंगे, बात करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, रिश्ते के बारे में बात करेंगे, अपना जो गिला शिकवा था वो सारी चीज़ें ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी किसी के लिए थोड़ा वक्त लग जाए, मतलब अगर ये दूर रहता है तो आज ही आपने रीडिंग देखी, आज ही नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। ये अब ये अपने अपने अंदाज से करेंगे, क्योंकि ये बंदा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, बंदा या बंदी जो भी है, ये आपसे प्यार करता है, शुरू से लेके अंत तक ये बंदा रिकॉन्सिलेशन चाहता है, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये रिश्ते से कुछ और चाहता है, ये आप ही को चाहता है, रिश्ते को भी चाहता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स, एरीज के जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। एरीज यानी मेष राशि के जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहा है, एरीज यानी मेष राशि, जजमेंट देखो और क्या कहूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आपको बहुत जल्दबाजी है, उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा रुकने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा रुक जाइए, बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए, जो आपको मिलना है, जो चीज़ आप ही का है वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। हड़बड़ी से लिया गया डिसीशन हमेशा गड़बड़ी कर देता है, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कीजिए, और जिस पर आपने अपना भरोसा रखा है, ऑल माइटी पर, गॉड पर, खुदा पर, अल्लाह पर,
तो उन पर भरोसा रखिए, जो सही होगा आपके लिए वो जरूर करेंगे। और रिकॉन्सिलेशन अगर आप तहे दिल से चाहते हो तो जरूर रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, भगवान पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।